हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज मैं जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मैं आज तीन रिपोर्ट डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, KPMG और रघुराम राजन ने अपने अपने डॉक्यूमेंट और कह सकते हैं एक आइडिया प्रोड्यूस किया है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या है और इस लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे मूव करेगी, इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे लॉकडाउन ओपन होने के बाद, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जिसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली, बहुत ऐसे सेक्टर होंगे जो इस लॉकडाउन की वजह से बेनिफिशियल हुए हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। हर चीज़ का अपना एक प्लस एंड माइनस होता है। अगर आपको डिमोनेटाइजेशन याद हो, उस समय डिजिटल कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था और बहुत सी कंपनियां डूबी भी, ख़त्म भी हो गई, बहुत कंपनियां जन्म हुआ। तो ये हर जगह एक चैलेंजेस, जब प्रॉब्लम आती है तो उसकी अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, एक अपनी अपॉर्चुनिटी होती है और कुछ उसका कॉस्ट आपको देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आएंगे उस पूरे डिस्कशन पे और वन बाय वन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है इंडियन इकोनॉमी पे, उन्होंने उसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जिस पे समझना ज़रूरी है। उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट रेज किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेक्टर वाइज बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले पकड़ा और कहा कि जो क्रेडिट लेंडिंग है, जो आपने क्रेडिट दिया है उसमें कितना परसेंट रिस्क पे आ गया। यानी उनका कहना है कि जो मार्केट में लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, अब उसका जो क्रेडिट साइकिल है वो एक बहुत बड़े रिस्क में है। उसके लिए उन्होंने कहा कि इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ रिटेल तीन सेक्टर को डिवाइड किया और कहा कि जहाँ जहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ लेंडिंग खतरे में आ गई। उनका जो एस्टीमेट है लगभग 280 बिलियन के आसपास का है, जो टोटल कॉर्पस का 23% है। उनका कहना है कि एक तो सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई, तो उसमें लगभग जो अमाउंट आज की डेट में लगा हुआ है वो एक तरह से रिस्क पे है। इंडस्ट्री में 47% और सर्विस में 11%, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत से इक्विपमेंट, बड़े बड़े मशीन्स यूज़ होते हैं जिसके लिए लेंडिंग, मशीन कॉस्ट, अलग अलग तरह के लोन यूज़ किए जाते हैं। तो अब शटडाउन में हुआ क्या, जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से पूरी तरह से इंडस्ट्रीज ठप हो गए, स्पेशली जो कि एसेंशियल आइटम के जो गुड्स हैं उनको छोड़ के। तो उनका मानना है कि जो डिप्लॉयमेंट था उसमें लगभग 47% ऐसा लोन है जो रिस्क पे है। उसके अलावा सर्विस में उन्होंने 11% के आसपास की बात की कि ये रिस्क है, और उनके अकॉर्डिंगली जो टोटल है वो 23% ऐसा आइटम है जो काफ़ी रिस्क पे, यानी कि बैंक के ऊपर उनका मानना है कि बहुत स्ट्रेस है। और उनका कहना है कि गवर्नमेंट को बैंक के लिए बहुत ही सावधानी और ध्यान से रखने की ज़रूरत है। ये बात रघुराम राजन ने जो एक ब्लॉग लिखा था उसमें भी उन्होंने ये बात कही, उस पर भी हम आएंगे, लेटर ऑन आएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बताई कि देखिए, इस समझने की ज़रूरत है कि इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कौन कौन से पहले बिजनेस हैम्पर हुए। जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम में आ गए, तब तक ये आइडेंटिफाई करना कि उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है टूरिज़म एंड ट्रेवल, ये तो पूरी तरह से लॉकडाउन है कम्प्लीट। दूसरा, ऑटो एंड कंपोनेंट। क्यों ऑटो एंड कंपोनेंट? अगर ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो जो हमारे मशीन्स और जो पार्ट्स पूर्ज जाते हैं बहुत बाहर से आते हैं, चाइना से बहुत माल आता है, तो चाइना अपने आप में लॉकडाउन था, हमारे यहाँ लॉकडाउन हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो गया। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद है। जब कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद है यानी कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होगी। हम आएंगे इस पे कि क्या क्या डाउनसाइड है, क्या अपसाइड है सप्लाई चेन, हम सब बात करेंगे। एजुकेशन, अगर एजुकेशन में आप ऑफलाइन की बात करते हैं तो स्कूल्स, कॉलेज सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक नया आयाम हो गया जहां पे एकाएक पेनिट्रेशन दिखा, एकाएक उछाल दिखा। यानी इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल हुआ तो जो ऑनलाइन सर्विसेज इस एजुकेशन के थे उनको बहुत इसका बेनिफिट हुआ।
उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से रुका हुआ, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स में भी बहुत हालत ख़राब है, उसके अलावा पैकेजिंग, लग्जरी, रिटेल एंड अदर, बिकॉज इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स है, लोगों के पास पैसे की दिक्कत है। ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इतनी ज़्यादा थी इंडियन इकोनॉमी में अगर पीछे की तरफ देखते हैं, और ऑलरेडी जो GDP था वो भी बहुत जो रफ्तार थी उसमें काफ़ी कमी थी, तो पहले से ही हम जूझ भी रहे थे। उसके अलावा देखें तो कुछ पार्शियल इम्पैक्टेड ये था कि डाउन, ये तो पूरी तरह से कंप्लीट ये शट डाउन जो मैंने पहले बात करी, अब बात करते कुछ जहाँ पे इम्पैक्ट है लेकिन पूरा उस तरह का इम्पैक्ट नहीं इंडस्ट्री जैसे कि अभी जो मैंने बताया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, उसमें अभी भी बहुत तरह की कंपनी काम कर रही है लेकिन ये ऑलरेडी ये भी क्लोज है, लेकिन ये उतना इम्पैक्टेड नहीं है, 100% क्लोज नहीं हुआ। मेटल एंड माइनिंग, मशीनरी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, वो हमेशा चलता है। केमिकल, IT टेक्नोलॉजी कंपनी, वो भी डाउन है लेकिन हुआ क्या कि कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो उस तरह से 100% डाउन साइड नहीं है। ट्रेडिशनल मीडिया, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मीडिया के भी अपने प्रॉब्लम है। उसके अलावा एनर्जी कंपनी को भी उतनी इम्पैक्ट नहीं है, ऑयल एंड गैस कंपनी को, फाइनेंशियल्स यानी बैंकिंग और उस तरह की कंपनी को अगर आप देखते हैं तो उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं जिस लेवल पे टूरिज्म, जिस लेवल पे एविएशन और उस तरह के जो इम्पैक्ट आए हैं वो यहाँ पे नहीं। एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी की अगर उल्टे बात करें कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे उछाल आया, सबसे पहले मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन मीडिया में एकाएक ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि उछाल देखा गया क्योंकि पूरी हमारी इंडिया लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बैठे हैं। टेलीकॉम दूसरा बेनिफिशियल, जब घर पे बैठे हैं तो टेलीकॉम कंपनी को भी इसका बेनिफिट हुआ, इंटरनेट यूज़, कॉल यूज़, SMS यूज़, सब चीज़ों पे उनकी भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बेनिफिट हुआ। हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ ही हमारा मालिक है आप कह सकते हैं, तो उसमें भी बहुत उछाल आया। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि सैनिटाइज़र, नए नए इक्विपमेंट, वेंटिलेटर जो इसके मैन्युफैक्चरर थे या जो ये बना रहे थे, मेडिसिन बना रहे थे, उनको भी एक तरह का अपग्रेडेशन दिखा क्योंकि अगर आप कुछ इंडस्ट्री को डाउन देखते हैं तो कुछ तो अप होगा ही। एजुकेशन ऑलरेडी इसमें काफ़ी बेनिफिट है। खैर इस पर हम बात करेंगे और इसमें भी आएंगे कि किस तरह से इनका क्या इम्पैक्ट है, वो अलग मुद्दा होगा। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, ये था कि इंडस्ट्री, अब बात करते हैं थोड़ा एक लेवल अंदर जाके। अब एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट था उसका कहना है कि ये BCG का कहना है उसका 20% वर्क फोर्स कैजुअल लेबर है जो कि हाईली प्रॉब्लम है, 25%, यानी कि जो टोटल नंबर था उनके हिसाब से जो मिलियन में है 496 मिलियन था। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा उनका कहना है कि इम्पैक्ट कहाँ हुआ, उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 16% के आसपास था, वो पूरी तरह से बंद हो गई। कंस्ट्रक्शन में अप्रॉक्सीमेटली जो लेबर क्लास है 84% है, पूरा बंद है, वो भी बहुत हेवली इम्पैक्टेड है। होटल एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर भी यही हालात है, यानी कि उनका कहना है ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जहां पे सबसे ज़्यादा कैजुअल लेबर पे मार पड़ी है। गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट ने बहुत तरह के प्रोविजंस, बहुत तरह के अनाउंसमेंट किए इससे रिकवरी के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट उसके साथ पैरेलल काम कर रही है। बहुत तरह की योजनाएं RBI ने भी अनाउंस किया, बहुत तरह के भी, अगर आपको याद हो तो मोदी जी आए थे, उन्होंने बहुत तरह का अनाउंसमेंट किया, निर्मला सीतारमन ने भी बहुत तरह की चीज़ें बताई, बहुत तरह की स्कीम्स लेके आए और बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है स्पेशली ऐसे ही कैटेगरी को, जो कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसने अपने प्रेजेंटेशन में इसको बहुत हाईली मतलब एक्सपोज किया। अब हम तो जा ही रहे हैं, चाइना ने तो क्या किया, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, वही वाली हालत हुई। चाइना तो खुद तो गया लेकिन आज तो रिकवर कर रहा है तेजी से, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 182 कंट्री को इम्पैक्ट दे दिया कोरोना का। अब हुआ क्या, 180 बिलियन का हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है इंडिया का, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, बुरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, बंद नहीं है, कोलैप्स कर चुका है। क्यों, जो मेजर हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है US है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन की तो मत हालत ही ना पूछे कि कोरोना वायरस से क्या हो रखा है, US तो अब नंबर 1 हो चुके हैं, UK, ईरान,
चाइना मॉडरेट है, यानी कि चार जो मेजर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सप्लायर है उसमें चाइना को अगर हम छोड़ दें तो मिडिल ईस्ट भी हमारे पास है, लेकिन ये जो मेन थे उनकी वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एस्टिमेटेड एक्सपोजर कह सकते हैं, जो एक्सपोज कंट्री हैं वहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में हैं। यानी हमारा 180 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हिला हुआ है, यानी ये भी एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान है। खैर, अब हम बात करेंगे रिकवरी के। रिकवरी से बात करने के पहले अब हम सेक्टर वाइज कुछ चीज़, मैं सारे सेक्टर की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके डाउनसाइड क्या है, सप्लाई साइड क्या है और डिमांड साइड में क्या हो रहा है। सबसे पहले अपेरल एंड टेक्सटाइल, अगर इनको हम देखें तो ये 2% का GDP का, ये मैं जो सोर्स बता रहा हूँ ये सारे KPMG के सोर्स के थ्रू बता रहा हूँ। KPMG ने जो एक PPT रिलीज़ किया था इंडियन इकोनॉमी पे, मैं उससे ये डेटा ले रहा हूँ। तो कहीं अगर आपको ये डेटा वेरीफाई करना हो तो KPMG के साइट पे जाके वहाँ से आप डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डेटा जो भी मैं अभी कोट कर रहा हूँ वो सब KPMG ने प्रोड्यूस किया है। तो इनका कहना है कि अपैरल एंड टेक्सटाइल 2% का GDP में है और मोर देन 45 मिलियन का जॉब देते हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है। अब हुआ क्या, अपैरल एंड टेक्सटाइल सेक्टर भी बुरी तरह से पिटा हुआ है, क्योंकि जो हमारा की कंट्री जिससे इंपोर्ट होता है वो बांग्लादेश और चाइना है। इस दो सेक्टर में चाइना की तो हालत बताने की ज़रूरत नहीं, खैर अब तो पहले से ठीक है, लेकिन चाइना दिसंबर के बाद से बहुत बुरे हालात थे, तो जिस उस हिसाब से हमारा सप्लाई साइड भी हिला हुआ है। खैर, अब समझते हैं सप्लाई साइड में प्राइस वेरिएशन। इस सेक्टर में प्राइस वेरिएशन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं होने के चांसेस हैं क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसका हम कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट लोकल मार्केट में ढूंढ सकते हैं। तो जो प्राइस वेरिएशन होगा बहुत हाई नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होगा। प्रोडक्शन शटडाउन की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन शटडाउन तो बहुत हाई इम्पैक्ट है प्रोडक्शन पे, क्योंकि पूरे ऑपरेशन बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप कुछ कर सकते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन ही है तो ये हाईली यहाँ पे एक्सपोज्ड है। लेबर फोर्स की तो अब हम क्या बताएं, इसमें लगभग 45 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज्ड है, यानी कि ये इंडस्ट्री बहुत ही इम्पैक्टेड है। तो वहाँ भी जॉब का जो कह सकते हैं कि जो जाना है जॉब वो भी बहुत हाई रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये इंडस्ट्री रिकवर थोड़ी तेज़ी से करेगी एज कम्पेयर टू अदर रिकवरी, क्योंकि ये ऐसे आइटम होते हैं जो यूज़ में हैं, जो कॉमन यूज़ में भी हैं और बहुत लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्लाई में अभी तो थोड़ा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी रिकवरी ठीक ठाक होगी। अब डिमांड साइड में अगर बात करें आज के डेट में तो डिमांड तो पिटा पड़ा है इसका, क्योंकि अभी इकोनॉमी ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो डिमांड तो होगा ही नहीं। कंज्यूमर सेंटीमेंट भी अभी उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, जब तक कि लॉकडाउन के बाद लगभग 30 से 60 दिन बाद ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा सेक्टर हम बात करते हैं ऑटो एंड ऑटो कॉम्पोनेंट्स। इसका जो GDP में कंट्रीब्यूशन 7.1% है और ऑटो कॉम्पोनेंट का 2.3% है, ये भी 40 मिलियन के आसपास का रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि बहुत बड़ा है। और इसके जो की एक्सपोर्टर्स हैं US, मैक्सिको, बांग्लादेश, अफ्रीकन और एशियन रीजन है। अब हुआ क्या कि अगर एक्सपोर्टर हमारे ऑलरेडी एक्सपोज्ड है कोरोना की वजह से, तो ये इसमें मेजर कंट्री अगर आप देखें तो बहुत लोग एक्सपोज्ड हैं कोरोना की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये मामला भी हमारा हिला पड़ा है। और ऑटो सेक्टर ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही क्राइसिस से जूझ रहा था, BS4 का लफड़ा था, BS6 आ गए, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री में बहुत तरह की हलचल थी। खैर, वो अब सेटल हो चुका है 31st के बाद। अब बात करते हैं सप्लाई साइड। प्राइस वेरिएशन में बहुत ज़्यादा प्राइस वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कंपोनेंट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता फ्लक्चुएशन, लेकिन कंपोनेंट आज ना कल, चाइना ऑलरेडी रिकवर तेज़ी से कर रहा है, तो कंपोनेंट वाइज बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कंपोनेंट उस हिसाब से बहुत इंडिया में भी बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रॉ मटेरियल भी सप्लाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन शटडाउन है, अभी कोई प्रोडक्शन नहीं है, सारी चीज़ें रुकी पड़ी है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत कंपनियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रखा है क्योंकि डिमांड नहीं था। कैश फ्लो, अब बात करते हैं कैश फ्लो। इस इंडस्ट्री में कैश फ्लो की
ह्यूज कैश की रिक्वायरमेंट है। हम इसमें बात करेंगे कैसे इस कैश फ्लो से निपटा जा सकता है, वो हम रघुराम राजन के जो वाइट पेपर जो ब्लॉग था हम उससे इसको कोरिलेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यानी कि यहाँ भी कैश की प्रॉब्लम है, हाईली एक्सपोज्ड है, हाई कॉस्ट यहाँ पे लगता है, प्लस लेबर सप्लाई बहुत तरह की दिक्कत है, तो यहाँ पे कैश क्रंच है और बैंकों का अभी सपोर्ट इनको बहुत ज़रूरी है। तब हो सकता है कि लगभग कुछ यहाँ पे हो सके। लेबर फोर्स अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, लोगों की बहुतों की नौकरी जा सकती है अगर ये मार्केट पिक नहीं करता, और ऑटो सेक्टर को पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कॉस्टेज होती हैं वो थोड़ा हाई होती हैं, और जब तक ये मार्केट रिकवर नहीं करता है, लोगों के पास पैसा नहीं आता, तब तक प्रॉब्लम होगी। अब डिमांड साइड में क्या हुआ, लॉकडाउन है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि डिमांड क्या होगा, डिमांड तो है ही नहीं। कंज्यूमर सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर सेंटीमेंट तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक हम ब्रेड एंड बटर की लड़ाई से बाहर नहीं आते। तो अभी लॉकडाउन की वजह से अभी जो हमारा जो लोगों का जो सेंटीमेंट हो मेजर फोकस है अपनी सेविंग, अपनी ईएमआईज, फ्यूचर कॉस्ट, और उस तरह से वो सोच रहे हैं, तो इसको भी रिकवरी सेंटीमेंट को रिकवर होते होते थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन आज की अच्छी न्यूज़ थी कि BS6 व्हीकल 1 मिलियन अभी तक बिक चुका है, लेकिन उसमें मेजर पैसेंजर व्हीकल थे, लेकिन एक अच्छा सेंटीमेंट, एक अच्छा मूव है, कम से कम सेल तो दिख रहा है। ये था ऑटो। एविएशन में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या हालत है। खैर, इसका जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है 2.4% एविएशन है, 9.2 टूरिज्म है, और 42.7 मिलियन लोग 18-19 में इससे एम्प्लॉयमेंट थे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है। सप्लाई की अगर बात करें तो प्राइस वेरिएशन तो होगा क्या, अभी तो कुछ है ही नहीं, तो प्राइस वेरिएशन क्या होगा। कैश फ्लो क्रंच तो बहुत बड़ा है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं कि उनको लिक्विडिटी दी जाए, उनको बहुत तरह का बेनिफिट दिया जाए कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ पाए। बोइंग जैसी कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर रही है कि उन्हें बहुत बड़ा मदद चाहिए अगर उस कंपनी को सर्वाइव कराना है तो। यानी कि ये इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को रिकवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट दुनिया में देखे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब लोगों का मूवमेंट थोड़ा सा उस लेवल पे फ्रीली नहीं होगा जो पहले था। यानी थोड़ी सी बंजिशेस लोगों में होंगी। जो इटली की अगर हम बात करें तो पता ही है, भगवान उनको, आज के डेट में भगवान ही उनके मालिक हैं और भगवान उनको बचाएं, और भगवान करे कि जितनी जल्दी वो रिकवर कर पाए, लेकिन वो अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं। कैश फ्लो है, लेबर की तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो वाइट कॉलर है उनकी भी नौकरी जाने के चांसेस है। वाइट कॉलर की अब मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री में वाइट कॉलर की भी नौकरी जा सकती है, जो लेबर है उनको तो अब क्या कहा जाए, क्या होगा। डिमांड साइड में तो ये पूरी तरह से ख़त्म है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक तो इनके कुछ है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं। उसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट की बात करें वो भी बहुत बुरा है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, देखिए ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है जो इंडिया का, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगेन अगर इस इंडस्ट्री की भी बात करें तो बिल्डिंग पहले से ही बहुत हालत ख़राब था रियल एस्टेट का इंडिया में कुछ दिनों से। ऑलरेडी सब जो सप्लाई है बहुत हाई है, बायर नहीं है, तो ओवरऑल अगर देखें तो प्राइस वेरिएशन में तो बहुत कुछ नहीं है, ये लो ही होंगे, हाई नहीं होने वाले हैं। प्रोडक्शन साइड से ऑलरेडी बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी डूब चुकी है, डूबने के कगार पे है, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद कर रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम है। कैश की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत दिनों से ये यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनके हालत ठीक नहीं है और कैश क्रंचेस से जूझ रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखें तो हर चीज़ की, सीमेंट से लेके स्टील से लेके हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ भी सप्लाई चेन भी प्रॉब्लम है। आज के डेट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन चला रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी, प्लस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, प्लस लेबर में प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जो लेबर माइग्रेशन इस बार हुआ है हिस्टोरिकल है, सबसे ज़्यादा लेबर माइग्रेशन हुआ है। यानी कि जो लोअर लेवल के स्टाफ हो सकते हैं, जो रोज के काम करने वाले, वो इम्प्लाई कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगा। लॉकडाउन में डिमांड की क्या है, डिमांड तो ऑलरेडी ख़त्म है, तो डिमांड तो बात करने की कोई मतलब ही नहीं है। कंज्यूमर सेंटीमेंट पे भी टाइम लगेगा इस सेक्टर में डेवलप करने में, और इस सेक्टर को भी थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। उस हिसाब से जो सोच रहे थे वैसा रिकवरी नहीं होगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ओवरऑल एजुकेशन और स्किल में अच्छी खासी देख सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो जब तक लॉकडाउन है तब तक
आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि तुरंत पिकअप करेगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन और स्किल एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको तुरंत चाहिए, और ये आपके कहते हैं कि रोजगार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन भी और स्किल भी। तो इस इंडस्ट्री को रिकवर करने में लॉकडाउन के बाद ही बहुत फास्ट मूव भी करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें ठीक होने के वजह स्कूल कॉलेज और जो रोज़मर्रा के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी। यहाँ लिक्विडिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत तरह के गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी हैं, प्लस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कैश इक्विप्ड लोग होते हैं, तो उन्हें उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंकिंग के हालात ऑलरेडी ठीक है, बैंकिंग के वो हालात नहीं है, केवल NBFC के जो हालात है वो कैश क्रंच से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ, और वही है कि अभी तक सिस्टम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग इस बार NPA से जूझ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ है कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लगभग 23% का जो क्रेडिट रिस्क एक्सपोज हुआ है, वो एक प्रॉब्लम और बात सोचने की। ऑलरेडी गवर्नमेंट की अगर हम देखें तो उन्होंने EMI डेफर कर दिया है और उस पर रोक लगाई है कि 3 महीने EMI देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेवर नहीं है, एक्सटेंशन है। वो ठीक है, वो उसका आस्पेक्ट हो सकता है कि क्या बेनिफिट होता है क्या नुकसान होता है, बट बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि स्ट्रांग है। बट अगर वो NPA के झमले में आ जाता है तब प्रॉब्लम है। लेकिन NBFC की अगर हम बात करें तो NBFC बहुत कैश क्रंचेस से जूझ रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन ऑलरेडी RBI ने बहुत इनिशिएटिव ले लिया है, रेपो रेट कम किया है, लिक्विडिटी इंसर्ट किया है, और बहुत तरह की और स्कीम देने की कोशिश की है जिससे कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो। इवन उनको भी कहा गया है कि आप भी इंटरेस्ट को उस तरह से वेवर करें ताकि लोगों को भी आराम हो और आपको भी आराम हो। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग की हालत ठीक है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, ये काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं एक ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन में भी अगर हम देखें तो ऑनलाइन बिजनेस आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले टाइम में लग रहा है कि बहुत तेज़ी से बूम करने वाला। पहले भी बूम था, लेकिन लोगों को एक चीज़ और समझ में आया कि ये एक इंडस्ट्री है कि किसी भी हालात में सर्वाइव कर रहा है। आज की डेट में अगर आप देखें तो OTT का बिजनेस एकाएक बूम किया और आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक फिनोमिना है या एक टर्निंग पॉइंट है जो लोगों को एक आइडिया दे रहा है कि ये जो बिज़नेस मॉडल है अगर आप पूरी चीज़ों को ऑनलाइन करके रखते हैं तो किसी भी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अभी तक दुनिया को लगता था कि हम सबसे पावरफुल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कोरोना वायरस ने ना इस पूरी दुनिया की उनकी औकात दिखा दी, उनके पूरे R&D का पोल खोल दिया। बड़ी बड़ी जो US और जो अपने आप को सुपर पावर और सारी दुनिया को बचाने का जो ठेका ले रखा था, अब उनके पास वो ठेका नहीं रहा है, ठेका भी ख़त्म हो चुका है, वो खुद ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनकी इकोनॉमी डे बाई डे डाउन हो रही है। यानी ओवरऑल ये जो मार्केट है ये एक ऐसा मार्केट दिख रहा है जो काफ़ी तेज़ी से आने वाले टाइम में बूम करेगा, टेक्नोलॉजी भी बूम करेगा, बट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चीज़ें ऑनलाइन बेस्ड चीज़ें काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है, इनके लिए तो बहुत बढ़िया है, सारे लोग 130 करोड़ 135 करोड़ लोग घर पे बैठे हैं और इंटरनेट के थ्रू ही जिंदा है आज की डेट में, या तो व्हाट्सएप OTT और अलग अलग तरह की चीज़ें देख रहे हैं। खैर, मोटा मोटी हमने सारा जो सेगमेंट था कवर करने, हमने सब सेगमेंट तो नहीं किया लेकिन बहुत सेगमेंट कर लिया। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम को बचने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो एक रघुराम राजन ने जो सबसे अच्छा सुझाव दिया था, जो मुझे भी लगता है कि बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी जो लायबिलिटी है ना उनको जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, यानी कि पे करे, ताकि जो कंपनीज हैं उनके पास लिक्विडिटी है। साथ के साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दें कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने सप्लायर को लिक्विडिटी दें, यानी कि अगर उनके आउटस्टैंडिंग है तो वो भी उसको ड्यूज को क्लियर करें। इससे क्या है कि जो पैसे का चैन है वो क्रिएट होगा, पैसा मोमेंटम में आएगा और मार्केट को एक मूवमेंट देगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तरह के इनिशिएटिव ले रही है ताकि इकोनॉमी को एक पुश दिया जाए, लेकिन रघुराम राजन का ये मानना है कि ये 2008 से भी भयानक त्रासदी है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस थी, लेकिन लोग नौकरी पे जाते थे, काम करते थे और इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करते थे। खैर, मैं इसमें एक लास्ट में एक चीज़ बताऊं कि इंडिया की एक ब्यूटी क्या है। इंडिया ब्यूटी की हम बात करें
एक इंडिया का बहुत खासियत रहा है कि हम हमेशा वी शेप में ना ग्रोथ किया है, यानी कि जब भी हम डिक्लाइन किए हम वी शेप में रिकवरी की, एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। अगर 1997 में देखें, 2002-03 का देखें, या 2007-08 का क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था 97 में, एग्रीकल्चर क्राइसिस था 2003 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 7-8 में, डिमोनेटाइजेशन क्राइसिस था 16-17। हर प्रॉब्लम में इंडिया ना वी शेप में निकला, यानी कि हम नीचे तो गए हैं बट रिकवरी भी बहुत तेज़ी से हमने किया है। ये हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है जो हमें सर्वाइव करा रही है। और अगर इंडिया इस कोरोना वायरस से जल्दी बाहर निकलता है तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत सुपर पावर होंगे, लेकिन हम एक दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति होंगे अगर हमने इस कोरोना को रोक लिया और हम पहले बाउंस बैक कर गए। और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, ये चीज़ समझना है, ये नहीं कि हम ही अच्छे होंगे। अगर हमने इसे रोक लिया तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी, हर चीज़ के लिए हमारी तरफ देखा जाएगा। चाइना वो ट्रस्ट नहीं ले पाएगा जो इंडिया ले सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ताकत है, काम करने की क्षमता है, ऐसा नहीं, हम कैपिटल कंट्री नहीं है। लेकिन अगर ये तीन चीज़ हमारे पास हैं और हम केवल सर्वाइव कर गए और हम फास्ट रिकवरी करते हैं, सारी दुनिया का प्रोडक्शन जो सेंटर होगा वो इंडिया होगा और इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत की तरह उजरेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाएं, ना कि कोरोना को बढ़ने दें। बाकी हमने कोशिश यही की कि जितनी एक फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकती है हम कवर करें। हो सकता है बहुत चीज़ छूट जाए, बहुत चीज़ नहीं कर पाए, टाइम की भी कॉन्स्टेंट होती है और अकेले होने की वजह से बहुत पॉइंट हम नहीं कवर कर पाते। अगर कोई मेरा पार्टनर साथ रहता तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई एडवाइस भी हो कॉमेंट बॉक्स में आके ज़रूर ड्रॉप बॉक्स में डालें, बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है इस इकोनॉमी को रिवाइव के लिए। और मैं हर के लिए कोशिश क्वेश्चन है आपके लिए, आपका क्या सुझाव है इस देश को आगे बढ़ाने में, वो ज़रूर दें। अगर कोई आपके पास ऐसा आइडिया है जो कि इनोवेटिव है और देश को जानना चाहिए, आप कॉमेंट करें, हम उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। तो ये अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।